जो चयनित बच्चे हमारे हैं उसमें हम बुलाएंगे तेज बहादुर बिंद, ये आजमगढ़ के हैं और जो इलाका ये बता रहे हैं मुझे लगता है वहीं मनोज कुमार बिंद भी वहीं के हमारे विद्यार्थी थे, आजकल एसोसिएट प्रोफेसर हैं वो गाजीपुर मेडिकल कॉलेज में, पहले अयोध्या में ज्वाइन किया था असिस्टेंट के लिए, फिर एसोसिएट हो गए मनोज कुमार बिंद। तो मुझे लगता कि एरिया क्षेत्र वही होगा, अभी मैं इनसे बातें भी करूंगा। तो बदलापुर के आसपास उनका, बर्दे के आसपास रहता, बर्दे के आसपास आप उनका भी गंभीरपुर से थोड़ा और आगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो चलिए तालियां बजाते रहिए इनके लिए। इनके 656 नंबर आए हैं, 656 नंबर इनके आए हैं, ये पांडे क्लास की तरफ सगुन है एक। तो मैं अब इनसे जानना चाहूंगा, देखिए क्योंकि मैं तो बर्दे के आसपास इनको मान रहा था, ये बताएंगे कि ये मूल निवासी कहाँ के हैं, आजमगढ़ के हैं वो तो पता चल गया, और मेरा भी होम डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ ही है, तो थोड़ा सा जब कोई आजमगढ़ आता तो मैं खुश ज्यादा हो जाता हूँ, वैसे सब खुशी सब में रहती है लेकिन थोड़ा सा हो जाता है कि चलिए आजमगढ़ के लोग भी पढ़ने लगे हैं। तो आपकी मम्मी क्या करते हैं, पापा क्या करते हैं, और फिर आप इतनी मेहनत किए, बच्चों को बताएंगे कैसे हमारी जो टेस्ट सीरीज है, जो बच्चे 12th पास किए इस साल उनको कैसे बताएंगे कि वो पांडे क्लासेस क्यों ज्वाइन करें, आप बताएंगे तो आपकी बातों को ज्यादा वो मानेंगे। तो मेरा नाम तेज बहादुर बिंद है, मैं आजमगढ़ के गंभीरपुर का निवासी हूँ। मेरे पिताजी का नाम त्रिलोके बिंद और माता का नाम शारदा देवी है, जो कि दोनों लोग ही नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन लोगों का एक मानना था कि हम नहीं पढ़े हैं तो लेकिन मेरा बेटा पढ़े, उन्होंने हम मेरी मतलब मेरे पिताजी कभी पढ़े लिखे मतलब कॉलेज स्कूल गए ही नहीं, तब भी वो अच्छे से हिंदी और इंग्लिश दोनों ही पढ़ लेते हैं, मतलब उनको देख कर लगा कि जब ये कर सकते हैं हमारे पिताजी ऐसा कर सकते हैं तो हमें भी कुछ अपने जीवन में अच्छा करना चाहिए। मैं अपना 12th करने के बाद मैं यहाँ पर आया इलाहाबाद, इलाहाबाद में मैंने यहाँ की कोचिंग ली, जिससे मेरा अच्छा सभी टीचर मतलब इफेक्टिव थे, जितने भी टेस्ट होते थे मैं उन सभी का अच्छे से एनालिसिस करता था, और जो भी डाउट होता था मैं अपने टीचर से सभी टीचरों से अपने डाउट को सॉल्व करता था, और हमको मतलब यहाँ पर जो भी कंपटीशन है बहुत ही पॉजिटिव है, यहाँ के टीचर बहुत ही अच्छे मतलब हर डाउट में आपकी मदद करते हैं, जब भी आपको लगे कि मैं नहीं कर पाऊँगा या फिर लगता है कि अब हमसे नहीं होगा तो आप जरूर टीचर से हेल्प लें, आप अपने ही मतलब ना सोचें कि हम इससे उभर जाएंगे या फिर हम इसको सॉल्व कर लें इस प्रॉब्लम को, आप अपने अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को ही मतलब आपका एक ग्रुप रहना चाहिए कि मतलब जो भी दिक्कत हो आप उनसे पूछ सकें, और मेरा भी मतलब मैं जब टेस्ट देता था तो 580 नंबर आते थे, मैं सोचता था मेरा इससे आगे बढ़ेगा ही नहीं, लेकिन मैं टेस्ट का एनालिसिस करने के बाद और टीचर के हेल्प करने से मेरा अच्छे से इम्प्रूव हो गया था, और मेरा केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छा नंबर था, मेरा 44 सही था 45 में से, इसके लिए मैं आरके सर का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जो ये आरके सर लास्ट में आपको मतलब क्लास के बाद जो भी आपको मतलब एक डायरी में क्वेश्चन लिखने के लिए देते हैं कि मतलब इतना करके लिख कर लाना, आप उन क्वेश्चन को जरूर करें, इससे बहुत ही फायदा होता है, और लगातार टीचर के संपर्क में रहें, और आप मेडिटेशन करें, आप कभी भी मतलब कभी डीमोटिवेट ना हो, हमें बीच बीच में लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन तब भी आप टीचर से जरूर जुड़े रहें, आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको लगता है कि हम अकेले कर लेंगे जाने दो क्या है, लेकिन आप टीचर से जरूर जुड़े रहें, आप मतलब एक दोस्त जरूर रहना चाहिए आपके पास, ये नहीं कि अकेला हम कर लेंगे, आपके दोस्त भी होने चाहिए, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो आपको मतलब पढ़ने या मतलब एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, अब साथ
आपस में मिलजुल कर आगे बढ़ सकते, अच्छे से अपना करिए। और मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि पांडे क्लासेस है तो भरोसा है। जो बच्चे ट्वेल्थ पास किए हैं या टेंथ पास किए हैं, हमारे जो इलेवन ट्वेल्थ फाउंडेशन का बैच चलता है, उनमें उनको क्या राय देंगे कि वो आके जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि हम सबसे कम फीस में सबसे अच्छा पढ़ाते हैं, ये हम कहते हैं। आप बच्चों को कैसे कहेंगे? यहाँ पर मैं, मेरे फाइनेंशियली बहुत ही दिक्कत होती थी, लेकिन आप यहाँ पर आए, यहाँ के टीचर आपकी जहाँ तक संभव आपकी मदद करेंगे। आप ऐसा नहीं है कि मतलब हमारी दिक्कत है तो मैं नहीं कर पाऊंगा, जहाँ से मैं उठकर आया हूँ आप सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब आप अपने लोग ऐसे टीचर भी है, मतलब आपका मतलब स्वभाव रहना चाहिए कि सभी को मतलब देख कर लगना चाहिए कि हाँ इसका होना चाहिए, इसका सिलेक्शन हो सकता है। अपने आप भरोसा रखिए, आप अपने ऊपर भरोसा नहीं रखेंगे तो दूसरा कब नहीं रखेगा। आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, यकीन मानिए कि आपका सिलेक्शन होगा। और लास्ट ईयर पेपर के एक ही बात आपको लगेगा, आप भी अगले साल यही हमारे यहाँ मतलब टीचर के साथ में आएंगे और आपसे भी यही सब पूछा जाएगा। बच्चों, आपने अभी देखा इन्होंने कितना संघर्ष किया, और उन्होंने एक बात को शेयर किया कि पापा भी नहीं पढ़े हैं, मम्मी भी नहीं पढ़ी हैं, तो इनके दिमाग में आया कि मुझे कुछ करना है। और फिर वो कभी हार नहीं माने, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों में रहकर भी इन्होंने अपने आप को पॉजिटिव रखा है। इन्होंने क्या बोला भाई कि आप अपने आप को ऐसे रखिए कि लोगों को लगे कि आप अच्छा कर सकते हैं, मतलब ये अपने आप को हमेशा पॉजिटिव खुद ही बनाते रहे, मुश्किलों से पार पाते रहे और संघर्ष से आगे बढ़ते रहे। तो ऐसे ही लोगों की जीवन की गाथा लिखी भी जाती है, जो कभी हार नहीं माने, जो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखे, आगे चलते गए। मुश्किलें आई और लेकिन कोई घबराना नहीं है, बस अपने आप पे भरोसा करना चाहिए। तो बात तो सही है, जब आप अपने पे ही नहीं भरोसा करेंगे तो आप पे कौन भरोसा करेगा? तो पहले अपने पे तो भरोसा करिए कि मैं ही वो हूं जो पहली रैंक लाऊंगा, मैं ही वो हूं जो 720 में 720 लाके दिखाऊंगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। ये मन में, अपने मन में जिद है, ठान लो, कभी भी पीछे रह पाओगे, हर दम आगे बढ़ते रहोगे। और ये हमेशा सोचना चाहिए कि हम जिस परिवेश से आए हैं, जिस देश में हैं, हम उसको आगे बढ़ाएंगे, अपने परिवार के नाम को आगे बढ़ाएंगे, अपने माता पिता के नाम को आगे बढ़ाएंगे, अपने टीचर के लिए भी कुछ अच्छा करूंगा। तो बच्चों, सबके लिए अच्छा करने के लिए तो अपने को तपना ही पड़ता है, अपने को तपाना ही पड़ेगा। तो उस तपने में भी बड़ा सुख मिलता है, क्योंकि हमारे मेहनत से, हमारे मुश्किलों से देश की पब्लिक ठीक होगी, लोगों के लिए अच्छा कर पाएंगे, आप बड़े डॉक्टर बन जाएंगे। तो आपको ये पता है कि लोगों के जीवन में कितनी मुश्किलें आती हैं, तो जब आपको ये पता है तो ऐसे मुश्किल लोगों के लिए आप मसीहा, आप ईश्वर बन के रहेंगे, और सच्चे अर्थों में वही डॉक्टर हैं ईश्वर, जो सबके लिए दया भाव रखे, करुणा भाव रखे, और सबको सोचे कि इनके जीवन में ही मुश्किल है तो हमसे जितना हो सके उतना करें। तो ये इसे बोलते हैं इंसानियत, और ये तभी आता है जब हम संघर्ष करते हैं। तो बच्चों, स्ट्रगल करना चाहिए लाइफ में, इसीलिए मेडिकल का एग्जाम हमें लगता है कि मुश्किल वाला एग्जाम भी है, इसीलिए कि आप अपने स्पीड को बढ़ाइए, एक्यूरेसी को बढ़ाइए, हाई स्पीड से चलना है, स्पीड स्लो नहीं करना है, रफ्तार से चलना है। गलती होगा और उस रफ्तार में ही गलती को ठीक करना है, उस गलती को ठीक करने के लिए रफ्तार को नहीं कम करना है, मतलब स्पीड से चलना है, और ऐसे चलना है कि गलती उसी स्पीड में खत्म हो जाए। तो स्पीड भी नहीं बदली और गलती भी समाप्त हो गई तो 720x720 तो हो ही जाएगा। और मन में दीपक जलना चाहिए इस बात का कि मुझे कुछ करके दिखाना है, उस पेरेंट्स के चेहरे पे खुशी दिखाना है और उनको खुशी के आंसू रुलाना है। दुख के आंसू तो बहुत लोग रुलाते हैं, पर उनको कौन से आंसू रुलाना है? खुशी के, उनको भी लगे कि मेरे आंगन में ये बेटा, ये मेरी बेटी आई और इसकी वजह से मेरा जीवन, मेरा वंश, मेरा परिवार, मेरा देश को सौभाग्य देखना पड़ रहा है। बच्चों, तो आपके अपने तपने से ही होगा, तो इसलिए अपने आप को तपाना है और तपा तपा के आगे बढ़ना है, क्योंकि इस दुनिया से ऐसे नहीं जाना है, कुछ करके ही जाना है, और कुछ ऐसा करके जाना है जो लोगों के जवान पे हमेशा रहे। यही है, यही पढ़ाई है, यही मेहनत है, यही परिश्रम है, और यही रास्ता है, और यही दिखाना है।
तो बच्चों इन्होंने आपने सुना कैसे मुश्किलों से इन्होंने आगे बढ़े। इन्होंने बोला कि हमारे पापा ने स्कूल ही नहीं गए थे, तो वो अगर ये करते हैं तो हम ये और कर सकते हैं। तो सही बात तो यही है, इंस्पिरेशन तो पेरेंट्स से ही मिलता है, फिर टीचर से मिलता है, फिर समाज के लोगों की मुश्किलों को देखते हैं, गरीबी को देखते हैं, लोगों के जीवन में कठिनाइयों को देखते हैं, और वो हमारे मन को, वो हमारे आत्मा को झकझोर देता है कि मेरे को ये चीज हटाना है, और नहीं हटा पाए फिर मेरे जीवन का मतलब ही क्या है। और फिर जब ये चीज हो जाता है तो उसे कोई कभी नहीं रोक सकता, और वही इस देश का मसीहा भी होता है। तो इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और यहां तक आए, और बहुत आगे जाए, मेरे शुभकामना है, ईश्वर इनको बहुत आगे बढ़ाए, और इन्होंने बहुत अच्छा किया। वेरी गुड। इनके एक बात मैंने गौर की कि इनके पिताजी पढ़े नहीं थे, स्कूल नहीं गए थे, लेकिन वो हिंदी में दोनों पढ़ लेते थे। वहीं से उन्होंने सीखा कि जब वो बिना स्कूल गए जो है हिंदी में दोनों पढ़ रहे हैं तो मैं तो डॉक्टर बन ही सकता हूँ। और उनके पिताजी की, इनके माता जी की बड़ी इच्छा थी कि बेटा हमारा डॉक्टर बने, और उन्होंने आज वो पूरा किया, उनको कितनी खुशियां दिया। तो इस बात से तो मैं भी सरप्राइज्ड हूँ कि बहुत ही शानदार, बहुत ही बड़ी सफलता इनकी है, जितना भी कहा जाए कम है। एक चीज आपने सुना होगा कि भाई देखिए जीतेंगे तब आप कैसे, आपने सुना होगा दो लाइन मुझे बार बार मोटिवेट करती है, आपको भी मोटिवेट करती है कि जिन भूधा तिन पाइया, जिन भूधा तिन पाइया गहरे पानी पैट, मैं बकुला बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। ये कहा गया कि एक तालाब है, उस तालाब में जो छलांग लगा लेगा वो मोती ढूंढ लाएगा। अब मैं डूबने के डर से उस तालाब में छलांग ही नहीं लगाया तो क्या मुझे मोती मिलेगा क्या। तो जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैट, मैं बकुला उड़न डरा रहा किनारे बैठ। तो ढूंढिए, छलांग लगा लीजिए, और बिंदु जी को, तेज बहादुर बिंदु जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना पांडे क्लासेस परिवार करता है। थैंक यू बेटा जी, थैंक यू।